आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। सभी घाटों पर तैयारियां चल रही है। आज न्यूज 9 भारत की टीम आजमगढ़ जिले के तमाम घाटों का जायजा ले रही है और वहां के स्थानीय लोगों से और वहां के जनप्रतिनिधियों से पूछा जा रहा है कि आप लोगों की तरफ से छठ को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई है। आइए इसी कड़ी में हम इस समय दलाल घाट पर खड़े हैं और यहां पर हमारे सभासद मित्र निशा जी उपस्थित है। आइए चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस बार की छठ पर किस तरह की तैयारियां की गई। तैयारी इस साल हर साल से अच्छा करने की कोशिश हम लोगों का है, ताकि लोगों के अंदर जो भय चल रहा है कि इस साल घाटों की व्यवस्था नहीं है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हर साल से अच्छी व्यवस्था इस साल घाटों पे है। वो आए और यहां छठ माता का पूजा करें। जो सोच रहे हैं कि हम डाला छठ के इस महापर्व पर आपको यहाँ के जनप्रतिनिधियों और नगर पालिका द्वारा किस तरह का सहयोग है? नगर पालिका द्वारा इस साल हर साल से बेकार सहयोग था। आज कई दिनों बाद आज कुछ लोग आए थे, दो तीन लोग झाड़ू लगाए, बाकी टोटल सहयोग यहाँ के कार्यकर्ता द्वारा किया गया श्रमदान। जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि श्रमदान से यहाँ पर डाला छठ पर्व की तैयारी कराई जा रही है। नगर पालिका का सहयोग इस बार सभी घाटों पर ना के बराबर है और जैसा कि हर वर्ष किसी न किसी तरह की दुर्घटनाएं हो जाती है, क्योंकि जब घाट पर भीड़ होती है लोग नदी में तैरने लगते हैं और नाव चलने लगती है और इस तरह से कोई भी खतरा उत्पन्न होता है, तो आइए हम पूछते हैं कि इस पर सुरक्षा को लेकर किस तरह का व्यापक किया। इसको लेकर जिस तरह हम लोग का कुतवाल साहब से मीटिंग हुआ था, जिसमें कुतवाल साहब से हमने बोला कि सर इस साल अगर नाव ना चले तो बेहतर होगा। उन्होंने बोला है कि इस साल नाव वॉलेंटियर जो रहेंगे उन्हीं का चलेगा एक दो नाव, जिससे प्रशासन भी रहेगी और किसी तरह का नाव यहाँ नहीं चलेगी। जैसा कि यहाँ के सभासद का कहना है कि इस बार प्रशासन का कहना है कि किसी भी प्रकार की नाव नदी में नहीं चलेगी और जिस समय घाटों पर भीड़ होगी कोई भी व्यक्ति नदी में तैरता हुआ नहीं दिखाई देगा। प्रशासन इसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर ली चुकी है और प्रशासन के लोग नदी में नाव के द्वारा चारों तरफ निगाहें रखे रहेंगे कि कोई भी किसी प्रकार की घटना ना घटित हो। आप देख रहे थे न्यूज 9 भारत के लिए आजमगढ़ से अमित त्रिपाठी को। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।